हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे का पानी, जलजीरे का पानी, या आप इसे हाजमे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए इनके इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं, जिसमें हमें चाहिए 10 से 12 पत्ती पुदीना, 2 से 3 पत्ती धनिया, थोड़ी सी अदरक। कद्दूकस कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये आसानी से उसमें मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगी। एक हरी मिर्च, आधा नींबू का रस, थोड़ी सी बूंदी, जलजीरा पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा काला नमक। जलजीरा बनाने के लिए हमें धनिया, पुदीना और कुछ चीजें हैं जो ग्राइंड करनी पड़ेंगी, जिसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं पुदीना। दोस्तों, मैंने इसे पहले से ही धो के रखा है, तो धोकर ही इस्तेमाल कीजिए। अब मैं ऐड करूंगी इसमें धनिया, थोड़ी सी अदरक जो मैंने पहले ही कद्दूकस कर ली है, और एक हरी मिर्च। इसे पीसने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसको पीसने के बाद हमें इसे छानना है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये पीसने के बाद ऐसा दिखेगा। अब हम इसे छलनी की सहायता से छान लेंगे। डेढ़ ग्लास पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये मैंने ली है काला नमक, बस आधा नींबू का रस, थोड़ा सा सफेद नमक स्वाद अनुसार, एक सैशे जलजीरा पाउडर और थोड़ी सी काले मिर्च पाउडर। दोस्तों, ये काले मिर्च और हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो उसे ऐड करना जरूरी नहीं है। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, ये कंसिस्टेंसी बहुत ही गाढ़ी है। आप इसमें 1 गिलास पानी और मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, एकदम बाजार जैसा बढ़िया और स्वादिष्ट पानी यहाँ पर हमारे लिए बनके तैयार है। अब आप इसे गोलगप्पे में भर सकते हैं, केवल दस जलजीरे के मिनट रूप में यूज कर सकते हैं, और एंड में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी। केवल 10 मिनट में बनाया जाता जो भी देखिए, केवल 10 मिनट में आपका जलजीरा और गोलगप्पे का पानी तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, जलजीरे का पानी तैयार है। अब आप इसे पी सकते हैं, आप इसे खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे जलजीरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे गोलगप्पे में भर के भी यूज कर सकते हैं।